नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे BA फार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का जो मेन एग्जाम का पेपर है गाइस, और ये हिस्ट्री का है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की जो बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं गाइस, और 21 यूनिवर्सिटी का पेपर आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इसमें बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पहुँचेंगे। तो फार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 यानी कि छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचे गए हैं। तो फर्स्ट की हम बात करें संस्कृति का क्या अर्थ है, वेदों को अपौरुषीय क्या क्यों कहा जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, चार प्रसिद्ध स्तूपों को नाम लिखिए। नेक्स्ट है नियोग क्या है, और उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रह्मा समाज जो कहाँ स्थापित किया गया था, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम लिखिए। नेक्स्ट है चार पुरुषार्थों के नाम लिखिए। भगवद गीता का प्रमुख संदेश क्या था, इसके बारे में समझाए क्या है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरे का पहला क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताइए, अनुलोम प्रतिलोम प्रकार के विवाह को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है सूफी शब्द का क्या अर्थ है, और उसके बाद में आता है नेक्स्ट यहाँ पे ज्योतिष के क्षेत्र में वराह मिहिर का क्या योगदान है, हिनयान और जो महायान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे रीत क्या है, माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर के बारे में लिखिए। तुलसीदास का जो साहित्यिक योगदान है उसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखिए, आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आता है पार्ट सेकंड के अंदर देख सकते हैं खंड ए की हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, भारत पर भगवत गीता के दार्शनिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब आता है यहाँ पे खंड ब के अंदर देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। पाँचवा है भारतीय जो प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर के जो साहित्यिक योगदान का जो चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे आता है यहाँ पे खंड से की बात करेगा इस यहाँ पे हिंदू मंदिर स्थापत्य पर एक निबंध लिखे। और नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में चरक अथवा सुश्रुत एक योगदान के बारे में इसका वर्णन देना है। गाइस ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये है शेखावट यूनिवर्सिटी का गाइस पेपर है। और तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, और जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा वो भी जाके देख सकते हैं। और आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे सारे पेपर आपको धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे यूट्यूब चैनल पे गाइस। ओके, UG हो चाहे PG हो चाहे BEd हो, सभी के पेपर अपलोड होंगे धीरे धीरे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।